नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ साबिता ठाकुर, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपसे जुड़ी उन तमाम सूचनाओं, हलचल और खबरों के साथ जो आपके लिए फायदेमंद है। बात कृषि की हो, आपके गांव की हो, पर्यावरण की, या फिर आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, हम हर मुद्दे से जुड़ी हुई जानकारी आप तक इस प्रोग्राम के जरिए पहुंचाएंगे। तो फिर देर किस बात की है, आइए करते हैं शुरुआत और जानते हैं कि देश जारी के पन्नों में क्या है खास। आज हम बात करेंगे इस्तांबुल में हुए विश्व ऊर्जा सम्मेलन के बारे में, बताएंगे कि कहां की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में हल्की बर्फबारी हुई है, समझेंगे जापानी बुखार क्या है, और साथ ही बताएंगे कि केंद्र सरकार ने माप पद्धति नियमों में किस तरह के बदलाव किए हैं। रूस ने इस्तांबुल में हुए विश्व ऊर्जा सम्मेलन में घोषणा की है कि वे भारत समेत चीन व जापान को अपने तेल और गैस निर्यात को लगातार बढ़ाता रहेगा। व्लादिमीर पुतिन ने जोर दिया कि रूस पारस्परिक लाभ और सामान्यधिकार पूर्ण सहयोग के सिद्धांतों के आधार पर तेल और गैस खरीदने की इच्छा रखने वाले सभी देशों के साथ पूरी तरह उनकी मदद की जाएगी। इस्तांबुल में हुए विश्व ऊर्जा सम्मेलन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस की योजना है कि चीन, जापान व भारत जैसे एशियाई देशों को तेल और गैस का निर्यात बढ़ाया जाए, साथ ही दूसरे देशों के साथ मिलकर हम इन देशों को ऊर्जा सप्लाई बढ़ाने के लिए, ऊर्जा संसाधनों की ढुलाई की संभावना का विकास करने के लिए सक्रिय रूप से कोशिश कर रहे हैं। हम अपने परंपरागत ग्राहकों और नए ग्राहकों की तेल और गैस की मांगों को पूरा करने के लिए अनेक बड़ी ढांचागत परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, ताकि तरल प्राकृतिक गैस का उत्पादन भी लगातार बढ़ाया जा सके। चीन को ऊर्जा संसाधन पहुंचाने के लिए पूर्वी साइबेरिया से प्रशांत महासागर तक पाइपलाइन बनाई गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूस सुदूर पूर्व के अपने समुद्री बंदरगाहों पर बने निर्यात टर्मिनलों का आधुनिकीकरण और विस्तार कर रहा है। इन्होंने जोर दिया है कि रूस पारस्परिक लाभ और समान अधिकार पूर्ण सहयोग के सिद्धांतों के आधार पर तेल और गैस खरीदने की इच्छा रखने वाले सभी देशों को संपूर्ण मदद दी जाएगी। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के कारण कपास व्यापारियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले साल 82.2 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 5500 करोड़ रुपए कपास का निर्यात हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले साल 82.2 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 5500 करोड़ रुपए के कपास का निर्यात हुआ था, लेकिन इस साल दोनों देशों के बीच तनाव होने के कारण सख्ती का माहौल बना हुआ है, जिससे कपास कारोबार प्रभावित हो रहा है। इस अनिश्चितता के माहौल में व्यापारी नए सौदे करने से बच रहे हैं। साल 2015 और 16 के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कारोबार 2.6 अरब डॉलर था। इसमें कपास निर्यात की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा थी। भारतीय कपास उत्पादकों का कहना है कि हम पाकिस्तान के साथ कोई भी व्यापार नहीं कर सकते जब तक दोनों देशों के बीच समान स्थिति नहीं हो जाती। मैदानी इलाकों में जहां अभी भी गर्म मौसम बना हुआ है, वहीं पहाड़ी क्षेत्र के मौसम में हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग की माने तो आगामी दिनों में ठंड और बढ़ने के आसार हैं। जी हां, हिमाचल प्रदेश की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में हुई हल्की बर्फबारी का असर ठंड के रूप में दिखाई देने लगा है। हिमाचल प्रदेश में मौसम पूरी तरह खुशनुमा हो गया है। इन दिनों यहां दिन में गर्मी और सुबह शाम के समय खासी ठंडक महसूस हो रही है। बाहरी राज्यों के पर्यटक भी खुशनुमा मौसम का लुत्फ उठाने के लिए शिमला का रुख कर रहे हैं। छुट्टियों के चलते राजधानी शिमला व इसके आसपास के पर्यटन स्थलों में प्रतिदिन पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है। दिन में धूप के चलते मौसम खुशनुमा बना रहता है, लेकिन शाम को ठंडी हवाओं का एहसास होने लगता है, जिसके चलते शाम के समय लोग स्वेटर और जैकेट पहन रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आगामी दिनों में ठंड और बढ़ने के आसार हैं। प्रदेश की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में हुई हल्की बर्फबारी का असर प्रदेश में ठंड के रूप में दिखाई देने लगी है। जहां एक ओर पूरे भारत में डेंगू व चिकनगुनिया महामारी की तरह फैला हुआ है, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत के भुवनेश्वर में जापानी बुखार का कहर बनकर टूटा है।
जहां दक्षिण भारत के भुवनेश्वर के कई जिलों व गांवों में जापानी बुखार कहर बनकर लोगों पर टूट पड़ा है। इससे भुवनेश्वर में एक और मौत होने से उड़ीसा के मलकानगिरी में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या कुल 42 हो गई है। गांव व जिलों में मच्छर नियंत्रण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। यहां जिला अस्पताल के आईसीयू में एक बच्चे की मौत के बाद जापानी बुखार से मरने वालों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है और इसके साथ ही 61 मरीजों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसमें 6 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। हालांकि जापानी बुखार से करीब 22 गांव और प्रभावित हुए हैं। इससे लोगों की परेशानी बढ़ती ही चली जा रही है। लोगों का कहना है कि जहां हम पहले से ही डेंगू व चिकनगुनिया से परेशान थे, वहीं अब जापानी बुखार ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में भगवान रघुनाथ जी की पारंपरिक रथ यात्रा के साथ ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा की शुरुआत हो गई है। कुल्लू दशहरा सदियों पुराना उत्सव है जो विजयदशमी से शुरू होता है, जिस दिन देश के बाकी हिस्सों में ये त्यौहार खत्म हो जाता है। कुल्लू का दशहरा इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ रामलीला नहीं होती है और रावण का पुतला भी दहन नहीं किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मनाए जाने वाले दशहरा उत्सव को न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी ख्याति प्राप्त है। यहाँ दशहरे पर अनेक रस्में निभाई जाती हैं। कुल्लू का पुराना नाम कुलंत पीठ है, जिसका मतलब है संसार की सभ्यता का अंतिम पड़ाव। कुल्लू में करीब 2000 कुल देवताओं की पूजा बड़े ही धूमधाम से की जाती है। ब्यास नदी के किनारे बसा कुल्लू पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र हुआ करता था। कुल्लू के इस दशहरे की शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई थी। कहा जाता है कि उस समय के राजा जगत सिंह एक बार मणिकरण तीर्थ की यात्रा पर निकले थे। ये हिमाचल प्रदेश का मुख्य तीर्थ स्थल है, जो कि अपने गर्म पानी के कुंड के लिए प्रसिद्ध है। यात्रा के दौरान राजा को बताया गया कि पासी के गांव में किसी ग्रामीण के पास बेशकीमती धन का खजाना है। उस व्यक्ति का नाम दुर्गा दत्त था। राजा के मन में उस खजाने की चाह जाग उठी और उन्होंने उस खजाने को लाने के लिए भेज दिया। सच्चाई ये थी कि उसके पास कोई खजाना नहीं था। राजा के सिपाहियों ने दुर्गा दत्त के साथ मारपीट की और कहा राजा तीर्थ यात्रा से लौट कर आएंगे तब तक खजाना का पता चल जाना चाहिए। दुर्गा दत्त परेशान हो गया। तब उसने घर को आग से जलाकर अपने परिवार के साथ वहीं जलकर राख हो गया। राजा जगत सिंह को जब इसके बारे में पता चला तो वो परेशान हो गए। तब राजा ने एक गुरु की शरण ली। गुरु ने उपाय सुझाया कि अयोध्या से श्री राम की गोपनीय तरीके से मूर्ति लाकर कुल्लू में स्थापित की जाए और उसकी पूजा की जाए। अयोध्या से मूर्ति को लाया गया। इसकी पूजा के बाद उन्हें कुल्लू को वास्तविक राजा घोषित किया गया। शराब से इसके शौकीनों को कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। महंगाई पर अंकुश लगाने के इरादे से केंद्र सरकार ने माप पद्धति नियमों यानी कि मेट्रोलॉजी रूल्स में बदलाव किया है। इससे असाधारण परिस्थितियों में वह दाल और चीनी जैसे आवश्यक चीजों का खुदरा दाम तय कर सकेगी। मौजूदा व्यवस्था में खुदरा कीमतें बाजार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। महंगाई पर अंकुश लगाने के इरादे से केंद्र सरकार ने माप पद्धति नियमों में बदलाव किया है। पहले ही वैध माप पद्धति यानी कि पैकेट बंद जींस नियमों 2011 में संशोधनों को अधिसूचित कर दिया है। इसमें आवश्यक जींस का खुदरा मूल्य तय करने का प्रावधान शामिल किया गया है। ये नियम उन आवश्यक जींसों पर लागू होगा जिन्हें खुला और पैकेट बंद दोनों में ही खुदरा बाजारों में बेचा जाता है। ये सिर्फ असामान्य परिस्थितियों में ही होगा, जब खुदरा कीमतों में असामान्य बढ़ोतरी दिखाई देगी। इस प्रावधान से सरकार को उपभोक्ताओं के हित में ठोस कदम उठाने में मदद मिलेगी। गंगा किनारे बसे गांवों के किसानों को प्रशिक्षण देकर उन्हें जैविक खेती के लिए प्रेरित करने का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है। उत्तराखंड सरकार नमामि गंगे अभियान के तहत गंगा किनारे जैविक खेती करके नदी को प्रदूषण मुक्त करने के साथ ही इसके जलीय जीव जंतुओं के संसार को सुरक्षा कवच दिया जा रहा है। गंगा किनारे बसे गांव के किसानों को प्रशिक्षण देकर उन्हें जैविक खेती के लिए प्रेरित करने का सिलसिला तेज हो गया है। इससे कीटनाशक और रासायनिक खाद का कृषि में इस्तेमाल नहीं होगा। गंगा किनारे जैविक खेती के संबंध में हाल ही में केंद्रीय जल संसाधन और कृषि मंत्रालय के बीच समझौता हुआ।
उत्तराखंड शासन ने जैविक खेती की कार्य योजना को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में गंगा के पानी का खेतों की सिंचाई के लिए सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। चीनी मिलों के अक्टूबर माह में चलने की संभावना नहीं नजर आ रही है। इसके चलते किसानों ने त्योहारों के सीजन को सामने देख नकदी कही जाने वाली फसल गन्ना कोल्हुओं पर डालना शुरू कर दिया है, ताकि घर का खर्च चल सके। चीनी मिलों का संचालन देरी से शुरू हुआ तो इस साल भी मिलों को उनकी क्षमता के मुताबिक गन्ना न मिलने पर समय से पहले ही बंद करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 4 साल से गन्ना मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की है। गन्ने का रकबा घटने के कारण चीनी मिलों को उनकी क्षमता के अनुसार गन्ना नहीं मिलने के कारण 3 चीनी मिलें बंद हो गई हैं। इस साल भी किसानों ने जिस प्रकार कोल्हू पर गन्ना डालना शुरू किया है, उससे ये बात साफ है कि इस बार भी चीनी मिलें गन्ने की कमी से जूझेंगी। अलीपुरा के किसान राम साह का कहना है कि पैसा हाथ में न होने के कारण किसान कोल्हू पर गन्ना देने को मजबूर है। हालांकि उन्हें पता है कि इस साल गन्ने के दाम बढ़कर घोषित होंगे, मगर कोल्हू पर गन्ना डालना फिलहाल मजबूरी है। हालांकि गन्ना विभाग ने चीनी मिलों के संचालन की अभी कोई तिथि घोषित नहीं की है, परंतु माना जा रहा है कि इस साल भी चीनी मिलें 15 नवंबर से पहले शुरू होने वाली है। चीनी मिलों और किसानों के सामने दूसरी सबसे बड़ी समस्या चीनी मिलों के संरक्षण क्षेत्र को लेकर रहेगी। ज्यादा मात्रा में अल्कोहल पाई जाने वाली शराब से इसके शौकीनों को बचाने के लिए दिल्ली में हर्बल शराब लॉन्च होने की तैयारी पूरी हो गई है। एलोवेरा, तुलसी, मिंट जैसे औषधीय तत्वों से बनी हर्बल शराब बनाने वाली कंपनी बायोटेक स्प्रिट ने इसे लॉन्च करने के लिए दिल्ली सरकार से अनुमति मांगी है। पड़ोसी राज्य हरियाणा सहित देश के अन्य राज्यों में हर्बल शराब के कामयाब प्रयोग के बाद बायोटेक स्प्रिट ने अब इसे दिल्ली के बाजार में भी उतारने की तैयारी कर ली है। आबकारी विभाग से हर्बल शराब का लाइसेंस मिलने पर कंपनी बायो विस्की, बायो वोडका और बायो बियर बाजार में उतारेगी। कंपनी का दावा है कि इसमें अल्कोहल की जगह औषधीय गुण वाले एलोवेरा, सर्पगंधा, तुलसी, अजरूण, शहद और मिंट जैसे पौधों के अर्क का इस्तेमाल किया गया है। आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने कंपनी द्वारा लाइसेंस के लिए आवेदन करने की पुष्टि की है। दिल्ली में हर्बल शराब को बेचने के लिए कंपनी को अगले वर्ष अप्रैल के बाद ही लाइसेंस मिल सकेगा, क्योंकि दिल्ली सरकार ने लागू वित्त वर्ष की आबकारी नीति में किसी भी नए ब्रांड की शराब को लाइसेंस नहीं देने का फैसला किया है। साथ ही आबकारी विभाग हर्बल शराब के औषधीय गुणों की कंपनी के दावों की वैज्ञानिक जाँच के बाद ही लाइसेंस जारी करेगा। त्योहारी सीजन की भीड़ संभालने के लिए रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था की है। देश भर में 2,500 से अधिक ट्रेनों को चलाया जा रहा है। ये ट्रेनें नवंबर के अंतिम सप्ताह तक चलेंगी। इस सीजन में अभी कई अन्य ट्रेनें चलाए जाने का भी प्रस्ताव है। रेलवे ने दिवाली के अवसर पर स्पेशल ट्रेनों को चलाने के लिए हरी झंडी दे दी है। मंत्रालय के निर्देश पर इन ट्रेनों को संचालित किया जा रहा है। रेलवे द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दीपावली के दौरान देश भर में 2,500 से अधिक रोजाना, हर सप्ताह व हर पखवाड़े ट्रेनों की संचालन की जानकारी दी है। इनमें से तमाम ट्रेनें एनसीआर के खाते में भी आई हैं। इसमें आगरा डिवीजन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आंकड़ों के मुताबिक करीब 0.5 दर्जन से अधिक ट्रेनों का आगरा में ठहराव किया जा रहा है। इन ट्रेनों का संचालन भी शुरू हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ रहे मोटे लोगों की संख्या के बारे में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मोटे लोगों की संख्या पिछले 5 साल में 40% बढ़ी है। साल 2015 और 16 में सामान्य से अधिक वजन की समस्या वाले लोग 39.4% हो गए हैं, जो साल 2011 में 22.8% थे।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मोटे लोगों की संख्या पिछले 5 साल में 40% बढ़ी है। साल 2015 और 16 में सामान्य से अधिक वजन की समस्या वाले लोग 39.4% हो गए हैं, जो साल 2011 में 28.8% थे। रिसर्च में कहा गया है कि 17% बच्चे भी अधिक वजन की समस्या के शिकार हैं। वहीं महिलाओं में अधिक वजन के कारण अर्थराइटिस की समस्या बढ़ रही है। बढ़ते वजन के बाद भी 70% लोग फिक्रमंद नहीं हैं। वे सहज तब होते हैं जब उनका उच्च रक्तचाप या फिर रक्त में शर्करा की मात्रा अनियंत्रित पाई जाती है। महिलाएं पहले घर के काम में अधिक सक्रिय रहती थीं, लेकिन अब सहूलियत की वजह से वजन और शुगर दोनों का स्तर बढ़ रहा है। 59% बच्चों के मोटापे के प्रति खुद माता पिता ही फिक्रमंद नहीं है। मोटापे का सीधा असर हृदय की धमनियों में रक्त का थक्का जमने, अनियंत्रित रक्तचाप और मधुमेह के रूप में दिखता है। मोटापे के 15% मामलों में पथरी की समस्या देखी गई है। ये भी देखा गया है कि बढ़ते वजन को लोग उस समय गंभीरता से लेते हैं जब वजन कम करने के लिए सर्जरी ही एकमात्र विकल्प रह जाता है, जबकि विशेषज्ञ बैरियट्रिक सर्जरी को मोटापा कम करने के लिए सही नहीं मानते हैं। टूरिज्म क्षेत्र में मिल रहे रिस्पॉन्स से उत्साहित IRCTC अब कश्मीर घाटी और आंध्र प्रदेश में अरकू घाटी में कांच की छत वाले कोच की ट्रेन चलाने की तैयारी में लगा हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस तरह की ट्रेनें दिसंबर तक पटरियों पर उतार दी जाएंगी। टूरिज्म क्षेत्र में मिल रहे रिस्पॉन्स से उत्साहित भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम अब कश्मीर घाटी और आंध्र प्रदेश में अरकू घाटी में कांच की छत वाले कोच की ट्रेन चलाने की तैयारी में लगा हुआ है। इन कोचों को IRCTC अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन RDSO और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी कि ICF पेरम्बूर चेन्नई ने डिजाइन किया है। इस तरह के 3 कोचों को इस साल दिसंबर में ICF पेरम्बूर में तैयार किया जाएगा। पहली कोच को कश्मीर घाटी में एक रेगुलर ट्रेन में लगाया जाएगा, जबकि अन्य दोनों कोचों को दक्षिण पूर्वी रेलवे पर अरकू घाटी जाने वाली कुछ ट्रेनों में जोड़ा जाएगा। भारत में अपनी तरह के इन खास कोचों को ICF पेरम्बूर में निर्मित किया जा रहा है। केले की खेती किसानों को आत्मनिर्भर बना रही है। इससे किसानों को 5 गुना नगद लाभ मिलता है। इस फसल में DBTL व्यवस्था से किसान सीधे औद्योगिक मिशन से जुड़कर सरकारी अनुदान का लाभ भी ले सकेंगे। बिहार के हनुमानगंज के किसान चंद्र प्रकाश मिश्र ने 2 दशक पूर्व केले की खेती की शुरुआत की। इन्होंने टिश्यू कल्चर विधि के G9 वैरायटी के घोषित 1600 केले के पेड़ 4 बीघा में तैयार किए हैं, जो पूरी तरह फल से लदकर तैयार हैं। केले की फसल जुलाई अगस्त माह में रोपी जाती है। अगले साल सितंबर अक्टूबर में तैयार होती है। औसतन एक पेड़ पर 50 रुपए खर्च होता है। 250 से 300 रुपए में एक घार केले की फसल बिकती है। इस प्रकार करीब 5 गुना मुनाफा मिलता है। 1600 पेड़ में चंद्र प्रकाश ने करीब 80,000 रुपए खर्च किए हैं। अब तैयार फसल से उन्हें 3 से 4 लाख रुपए की आमदनी होगी। केले की खेती के साथ ही इसमें दोहरी खेती भी की जा सकती है। पौधे छोटे होने पर क्यारी के बीच मिर्च भिंडी तथा फसल बड़ी होने पर पत्ता गोभी व कद्दू लौकी की खेती आसानी से कर दोहरा लाभ लिया जा सकता है। उद्यान विभाग द्वारा किसानों को औद्योगिक मिशन के तहत सहयोग किया जाता है। इसमें केले के पौधे पर किसानों को 85% तक का अनुदान मिलता है। किसान केवल 15% अंश ही लगाता है। अब तो DBTL योजना के तहत किसान ऑनलाइन आवेदन करते हैं और अनुदान राशि सीधे उनके खातों में भेज दी जाती है। जिला उद्यान अधिकारी विनय शंकर श्रीवास्तव ने बताया कि किसानों को योजना का पूरा लाभ दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में लगातार भारी बारिश के बाद उमस भरी गर्मी ने किसानों की परेशानी कम करने के बजाय और ज्यादा बढ़ा दी है। यहाँ खेत में लगातार बारिश होने के कारण पत्ता गोभी में झुलसा रोग लग गया है, जिसके चलते खेतों में करीब 30% फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में लगातार हो रही बारिश ने सब्जी पैदा करने वाले किसानों की परेशानी और बढ़ा दी है। अच्छी पत्ता गोभी की पैदावार की आस लगाए किसान बताते हैं कि खेत में लगातार बारिश होने के कारण पत्ता गोभी में झुलसा रोग लग गया है, जिसके चलते उनके खेतों में करीब 30% फसल बर्बाद हो गई है।
वहीं बारिश रुकने के बाद उमस भरी गर्मी ने पत्ता गोभी में झुलसा रोग के साथ साथ गलन रोग लग जाने से भी किसानों की परेशानी और बढ़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि पत्ता गोभी में कैबेज मैगेट नाम का ये कीड़ा पौधों की जड़ों पर आक्रमण करता है, जिसके कारण पौधे सूख जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए खेत में नीम की खाद का प्रयोग करें। इसी के साथ चौपा नाम का कीड़ा जब पौधे में लग जाता है तो ये पत्तियों का रस चूसता रहता है, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। वैज्ञानिकों ने इसकी रोकथाम के लिए किसानों को नीम का काढ़ा और गौमूत्र का मिश्रण खेतों में इस्तेमाल करने की सलाह दी है। ऐसा करने से तैयार हुई फसल को भी काफी हद तक रोगों से बचाया जा सकता है। अगर आप नया मोबाइल कनेक्शन लेते हैं तो जो नंबर आपको मिलेगा उसे देखकर आपको थोड़ी हैरानी जरूर होगी। दरअसल कुछ दिनों बाद मोबाइल नंबर अब 10 के बजाय 11 अंकों का होने वाला है। देश में मोबाइल यूजर्स की बढ़ती संख्या के चलते नंबर सीरीज का संकट पैदा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक DOT दूरसंचार नई सीरीज के शुरू करने पर विचार कर रही है। दूरसंचार विभाग के मुताबिक देश में मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या घट रही है। जून में जहां 103.51 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता थे, वहीं जुलाई में घटकर 103.42 करोड़ रह गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टाटा टेली सर्विस के ग्राहकों की संख्या में भारी गिरावट आई है। लोग इस कंपनी का कनेक्शन छोड़ रहे हैं, जबकि देश में मासिक आधार पर फोन ग्राहकों की संख्या घटी है। इससे पहले मई में मोबाइल ग्राहकों की संख्या 1.1% घटी थी। कुल मोबाइल ग्राहकों की संख्या में 1.26% की गिरावट आई थी। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों, सूचनाओं और खबरों के साथ। तब तक कृषि से जुड़ी तमाम हलचलों के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।